नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी टेट एग्जाम 2019। तो दोस्तों आज की हम टुडे ब्रेकिंग न्यूज देखने वाले। तो दोस्तों इस समय की एक बड़ी अपडेट आ रही है, उसको देखेंगे, सुपर टेट वर्सेस यूपी टेट। जी हाँ दोस्तों, काफी छात्रों के मन में एक डाउट आ रहा था सुपर टेट और यूपी टेट में क्या डिफरेंस होता है। और दोस्तों इस समय देखिए जनरल के छात्रों को काफी दोस्तों कंफ्यूजन है कि देखिए ईडब्ल्यूएस कट ऑफ कंफ्यूजन। देखिए सिंपल सी बात है कि जितने भी आरक्षित वर्ग आते हैं सभी के दोस्तों यूपी टेट में कट ऑफ जो होती है वो 82 नंबर होती है, मतलब 82 नंबर। तो दोस्तों अगर जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं ईडब्ल्यूएस मतलब दोस्तों होता है इकोनॉमी वीकर सेक्शन, तो दोस्तों ये भी तो एक तरह से आरक्षित वर्ग हुआ, तो क्या इनके लिए भी कट ऑफ 82 नंबर होगा? तो दोस्तों इसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों आज की और बड़ी अपडेट्स हम देखेंगे। देखिए अभी और कितना समय लगेगा संशोधित उत्तरमाला जारी होने में, इसको दोस्तों हम देखने वाले कि किस दिन कितने समय तक आपकी रिवाइज्ड आंसर की जारी होगी उसको देखेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि किन किन प्रश्नों पर आपकी आपत्ति दर्ज हुई, उस क्वेश्चन की सारी लिस्ट हम देखने वाले हैं। जी हाँ, कि आपके दोस्तों ने कौन कौन से ऐसे प्रश्न थे जिस पर आपत्ति या ऑब्जेक्शन फाइल कर रखा है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि प्रति प्रश्न 500 रुपए देने थे, तो उसको भी हम देखेंगे इस वीडियो में। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो बच्चे फेल हो गए अब उनका क्या होगा। अगर मान लेते दोस्तों आपके 30 नंबर, 35 नंबर, 50 नंबर भी दोस्तों यूपी टेट में बन रहा है, तो अब आपका आगे फ्यूचर क्या है उसको हम बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा डिस्कशन होगा कि सुपर टेट की आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। काफी छात्र कंफ्यूजन में होंगे यार, सुपर टेट का पेपर आने वाला है, तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, तो एक और सवाल आप लोग का क्या रहा था कि क्या 2020 में नौकरी पाना है आसान? ठीक है ना, 2020 का दोस्तों आपका सफर कैसे होने वाला है, कितना लंबा सफर है, कैसे आपको नौकरी मिल सकती है उसको देखने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यूपी टेट 2019 में प्राथमिक में 40 प्रश्नों व उच्च प्राथमिक में के मतलब 24 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई, मतलब 40 और 24। ठीक है ना, इसको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, कितने प्रश्न है दोस्तों आपके, 40 प्रश्न है और एक तरफ आपके बनते हैं 24 प्रश्न। तो चलिए दोस्तों देखते देखिए, सबसे पहले अपडेट थी आज के न्यूज़पेपर में उसको देख लेंगे। हाँ एक बात और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको दोस्तों पहले आप लोग हल्का सा टच कर दीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि दोस्तों वो भी हर एक प्रश्न की दोस्तों लिस्ट देख सके, किन किन ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों जिसमें आपके छात्रों ने ऑब्जेक्शन फाइल कर रखा है उसको दोस्तों हम देखेंगे। और एक बात और ये भी करेंगे हम लोग कि जो बच्चे फेल हैं अब उनका क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों आज के जो अखबार में खबर आई थी उसको हम आपको बता देते हैं, अगर आपने ना देखी हो अभी तक, कि प्राथमिक स्तर के प्रश्नों पर आपत्ति। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने बताया कि 1034 में से 915 मतलब छात्र ऐसे थे जिन्होंने प्राथमिक, और 119 छात्र ऐसे थे जिन्होंने दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए आपत्ति दर्ज की है। प्राथमिक में 240 प्रश्नों व उच्च प्राथमिक परीक्षा के 24 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज हुई है। देखिए दोस्तों आपत्ति स्वीकार नहीं, कौन से ऐसे क्वेश्चन है? देखिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सारी प्रक्रिया पूरी करके संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी, संशोधित उत्तर कुंजी में कोई भी आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब पहले हम आपको डेट बताते हैं कि अभी कितना समय और लगेगा। देखिए दोस्तों आपकी जो रिवाइज आंसर की जारी होगी उसकी डेट है, फाइनल डेट आपके दोस्तों 31 जनवरी 2020। ठीक है दोस्तों, दोपहर के बाद, ठीक है ना, 12 बजे के बाद दोस्तों किसी भी समय आप लोग की रिवाइज आंसर की जारी कर दी जाएगी। तो आपको भाई तैयार रहना है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेपर है दोस्तों आपका यूपी में। 16,45,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है पेपर वन और पेपर टू के लिए, मतलब 16 लाख से अधिक छात्र ऐसे हैं जो यूपी टेट के दोस्तों राह देख रहे हैं इसके रिजल्ट का। और दोस्तों जो इसका रिजल्ट वो 7 फरवरी 2020 को जारी किया जाएगा, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक सवाल था दोस्तों भी हम लोग देखने वाले कैसे कौन कौन से प्रश्न है जिस पर आपत्ति दर्ज हुई, इसको हम देखेंगे। उससे पहले दोस्तों हम आपको बता देते हैं अगर जो छात्र फेल हैं अब उनका क्या होगा। देखिए अगर आप फेल हैं तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। पहली बात दोस्तों, अगर आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हैं, 2 से 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर तक दोस्तों आते हैं, तो आपको वेट एंड वॉच करना है 31 जनवरी तक। उसके बाद दोस्तों आप डिसाइड करिएगा कि आगे आपको क्या करना है। देखिए सिंपल सी बात है दोस्तों, जो बच्चे ज्यादा नंबर से फेल हो रहे हैं उनके लिए एक एडवाइस है, एक टिप्स है। एडवाइस दोस्तों ये कि अभी आपका सीटेट 2020, जी हाँ दोस्तों छात्रों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगर आपकी गणित कमजोर है तो आप सीटेट के लिए जाइए, पेडागोजी सेक्शन ज्यादा होता है तो उसमें आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है ना, मान लेते अगर आपका सीटेट का पेपर आपने दिया उसमें भी अगर आप फेल हो चुके हैं, यूपी टेट में भी मतलब फेल हो गए, मतलब दोनों टेट के परीक्षा में आप पास नहीं हो पाए, तो आपके पास क्या विकल्प है? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए बिना तैयारी के कुछ नहीं हो सकता, अभी आपको अपना बेस और बेसिक दोनों मजबूत करना है। अब हम कह रहे हैं बेस क्यों मजबूत करना है, अगर आप यूपी टेट में मैथ छोड़ देते हैं, काफी छात्र दोस्तों ऐसे हो रहे हैं जो मैथ को इग्नोर कर रहे हैं पूरी तरीके से, पता नहीं क्यों सभी छात्र दोस्तों मैथ को इग्नोर करने में लगे हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद सुपर टेट का पेपर होगा तो वहां पर आपको 20 नंबर की गणित
फिर से मिलने वाली, मतलब वहां पेपर दोस्तों आपका 20 का होता है, ठीक है ना। सुपर टेट में कितने नंबर की गणित आएगी आपकी, 20 नंबर की। अगर 20 में से दोस्तों आप 20 प्रश्न को तुक्का लगा के आएंगे तो आपके मान लेते हैं कि 5 प्रश्न सही होते हैं। 15 क्वेश्चन गलत करने का मतलब है दोस्तों कि आप शिक्षक भर्ती से पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सुपर टेट का नियम बहुत ही खतरनाक है। एक एक नंबर की दोस्तों वहां पर वैल्यू होती है। जब मेरिट सिस्टम आपका बनेगा, आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि जो बीईओ के लिए आवेदन हुए हैं, आपको पता होगा 300 दोस्तों लगभग आपके पद है, 307 या 309 पद हैं दोस्तों आपके टोटल, और 5 लाख से अधिक आवेदन हो गए। 5 लाख से दोस्तों प्लस आवेदन हो गए 5 लाख 28 हजार, कहीं 22 हजार, अलग अलग डेटा मिलता रहता है। तो दोस्तों इतने आवेदन हुए 5 लाख से अधिक, बस ये समझिए। तो दोस्तों एक सीट पर दोस्तों आपके 1700 बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब अगर आप 1700 बच्चों को मतलब पीछे छोड़ेंगे तो ही दोस्तों आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ पर 17 हजार जैसे आपको दिख रहा होगा, लेकिन है 1700 ये, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि एक सीट के लिए दोस्तों कंपटीशन इतना टफ हो चुका है। तो बिना गणित के दोस्तों आपकी भाई नौकरी इतनी आसान नहीं होने वाली। समय है आपके पास, तैयारी करिए, और जिन छात्रों के दोस्तों बैक आइए, ठीक है ना। डीएलएड के छात्र ऐसे होंगे दोस्तों, काफी छात्र हो सकता है कि बैक आई हो, अभी भी वो तैयारी करें। तो दोस्तों आपको अपना पहले बैक भी क्लियर करना है। यूपी टेट तो दोस्तों होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के भी लिस्ट हम देखने वाले हैं। पहले जितने भी सवाल थे इसको पहले कंप्लीट करते हैं। क्या 2020 में नौकरी पाना है आसान? देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, अब नौकरी पाना उतना आसान नहीं रहेगा जो कि दोस्तों 2018 तक जितनी भी दोस्तों आपको नौकरियां मिली हैं शिक्षक भर्ती में दोस्तों, अगर आपने बीटीसी या डीएलएड, जिसका नाम था पहले बीटीसी चलता था, डीएलएड अब बदल के नाम हो गया, जो छात्र दोस्तों 2018 से पहले तक नौकरी पा चुके हैं वो छात्र लग गए हैं 2018 के बाद दोस्तों। फिर कंपटीशन, उसके बाद जब से बीएड की एंट्री हो गई ना, बीटीसी प्लस बीएड दोनों छात्र दोस्तों कंपटीशन में भाई अच्छे खासे हैं। तो अब इतना आसान दोस्तों नहीं है नौकरी पाना सभी के लिए दोस्तों। जो कंपटीशन हो काफी तगड़ा हो चुका है, तो आप मेहनत करेंगे तो ही नौकरी पाएंगे। और केवीएस की भी दोस्तों वैकेंसी आने वाली, तो आप उसके लिए भी लगे रहिए। तो उसके भी दोस्तों बहुत ही जल्द आपके आवेदन शुरू होने वाले हैं, तो उसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। देखिए सुपर टेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक डेडिकेशन से इसकी दोस्तों तैयारी करनी पड़ेगी, जिसका सिलेबस दोस्तों बहुत छोटा नहीं होता। जैसे आपने काफी छात्र ऐसे थे जो यूपी टेट में गलती क्या किया है कि कुछ लिमिटेड क्वेश्चन पढ़ के गए। देखिए दोस्तों, जब सुपर टेट की आप तैयारी करें तो क्वेश्चन की किसी भी प्रकार की कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ 100 प्रश्न पढ़ रहे हैं, 200 प्रश्न पढ़ रहे हैं। आपके मन में दोस्तों होना चाहिए कि हम अधिक से अधिक कितना प्रश्न पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। 2020 में दोस्तों आपके लिए नौकरी पाना आसान होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों मिथिली ऐसे करें आसान भी हो सकता है, क्योंकि 2020 में काफी ज्यादा वैकेंसी आने वाली। 23,000 दोस्तों पद आपके प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए खाली, वो आज नहीं तो कल वो आएंगे। 4,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों आपके जूनियर में आने वाली है। उसके बाद दोस्तों टीजीटी पीजीटी के 14,000 से लेकर 40,000 वैकेंसी तक देखने को मिलेगी। उसके बाद दोस्तों केवीएस की 8,000 तक वैकेंसियां देखने को मिलेगी। पीआरटी प्लस एड रहेगी, मतलब दोस्तों 6 प्लस 2 मतलब 8,000 होगा, 6,000 प्लस 2,000 करके समथिंग ऐसी आ सकती है। मतलब काफी लंबी लिस्ट है दोस्तों 2020 में जो आपकी नौकरी आने वाली है। इसलिए दोस्तों हम कहेंगे कि आपका नौकरी पाना आसान इसलिए हो सकता है कि अगर आप एक पेपर की तैयारी करेंगे तो लगभग लगभग दोस्तों आपके सारे पेपर का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद दोस्तों आपकी बीईओ की भी वैकेंसी, मतलब क्या है ना कि 2020 में दोस्तों आपकी तैयारी के साल जाने वाला, मतलब आप तैयारी करते रहेंगे पूरे साल, ऐसा तो नहीं होगा कि घर बैठेंगे। तो 2020 दोस्तों काफी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। जो छात्र अच्छी मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली 2020 में वो नौकरी करते हुए आपको दोस्तों दिखने वाले हैं, और जो छात्र मेहनत नहीं करेंगे तो उनका तो आपको पता ही है क्या होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको एक बात और यहाँ क्लियर करेंगे नए क्वेश्चन को, दोस्तों मतलब ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन देखने से पहले, कि देखिए अभी दोस्तों जो आपके जनरल का ईडब्ल्यूएस सिस्टम है वो दोस्तों जो आपकी कंफ्यूजन है उसको हम दूर कर रहे हैं कि फिलहाल अभी यहाँ पर 82 नंबर नहीं होगा। इसका दोस्तों रीजन ये कि जो आपका ईडब्ल्यूएस कोटा लग रहा है ना वो आपके फीस को लेकर होता है। जैसे अगर दोस्तों आप लोग कहीं फॉर्म भरते हैं, 600 रुपए का फॉर्म होता है, तो ईडब्ल्यूएस में दोस्तों ये किया जाएगा कि आपका थोड़ा सा फॉर्म सस्ता कर दिया जाएगा, मतलब ओबीसी और दोस्तों ईडब्ल्यूएस ये दोनों दोस्तों बराबर किया जाएगा, ठीक है ना। और जो जनरल के कैंडिडेट होंगे उनको थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा आने वाले समय में, दोस्तों इसको देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों कटाप को लेकर फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इसके बाद 2021 में 2020 में जो यूपी टेट का फॉर्म है उसमें दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 82 नंबर की कटाप की जा सकती है, क्योंकि अभी तक जितने भी आरक्षित वर्ग आते हैं, जनरल को छोड़ के सभी आरक्षित वर्ग ही होते हैं आरक्षण वाले, तो वहां दोस्तों सबको भाई फायदा मिलता है 82 नंबर कटाप का। तो जनरल के छात्रों को मौका मिलेगा जो छात्र ईडब्ल्यूएस में आएंगे, ठीक है ना। तो 31 को दोस्तों ये होगा, सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। बस अब एक क्वेश्चन बच रहा है कि किन किन प्रश्नों पर दोस्तों आपकी आपत्ति को दर्ज किया गया। आइए चलिए दोस्तों उनको देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपका एक प्रश्न ये था कि सुमेल करने वाला, यह तो आपने देखा होगा भाई काफी प्रचलित क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या मिलने वाला है? मिलेगा तो दोस्तों सभी छात्रों को कॉमन नंबर +1 मिलना चाहिए। बाकी दोस्तों हम फिर से वही कहेंगे भाई यूपी टेट आयोग पर डिपेंड करता है कि वो क्या करने वाले हैं।
तो आज हम आपको लिस्ट दिखा देते हैं दोस्तों, अगर आपको इसमें नंबर नहीं मिला है तो आप अपने नंबर जोड़कर पता कर सकते हैं कि आप पास होंगे या नहीं। ये क्वेश्चन दोस्तों ये था कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। देखिए दोस्तों इसका जो आंसर है संतान दिया गया था पीएनपी ने, लेकिन दोस्तों ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में आता है कुछ किताबों के हिसाब से। देखिए ये हम दोस्तों नहीं बोल रहे, आपकी किताबें बोल रही है। देखिए आप लोग देखिए कहाँ गया संतान, संतान देखिए दोस्तों आप एक यहाँ संतान देख रहे हैं जो कि यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है दोस्तों आपका स्त्रीलिंग में। दूसरी बार दोस्तों जो संतान देखिए हाईलाइट कर रहा है येलो कलर से, यहाँ पुल्लिंग दिखा रहा है, तो इसमें भी आपको कॉमन नंबर दिया जा सकता है कि अगर कोई छात्र भाई संतान को वो स्त्रीलिंग समझ करके आया तो वो गलत करके आया, तो इसमें भी आपको +1 मतलब 2 नंबर तो आपके बढ़ने तय है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन था जो भाई रेंडियर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है। इसका दोस्तों जो आंसर भाई वहां पर दिया गया टुंड्रा प्रदेश, कहीं पर टैगा भी है, तो इसमें सबके नंबर नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, लेकिन हाँ नंबर बदले जरूर जाएंगे 1-1 का, बस ये होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका था कि भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है। देखिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में भी, उत्तराखंड में भी, तो दोस्तों इसमें भी आपका नंबर कॉमन नहीं होंगे, 1:1 का होगा। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन जो आया था आपका अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ। देखिए इसका दोस्तों जो आंसर दिया गया था वहां पर केरल 1959, ठीक है। इसका आंसर हमने आपको कई बार समझाया कि भाई सिंपल सी बात है कि अगर हम आपसे पूछे कि भारत का प्रधानमंत्री कौन था या कौन थे तो उसका आंसर आप बताएं क्या बताएंगे। उसका आंसर दोस्तों आप तो ये बोलेंगे नहीं कि भाई हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि दोस्तों वो करंट में है ना कि दोस्तों वो पहले थे। प्रथम का मतलब दोस्तों प्रथम होता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, प्रथम का मतलब फर्स्ट होता है। कुछ किताबों में दोस्तों ये बोला गया कि यार जो इसका प्रथम बार प्रयोग हुआ था 1951 में पंजाब राज्य में हुआ था, अगर 1951 में दोस्तों वो यूज हो चुका है तो उसका आंसर पंजाबी होना चाहिए। तो इसके हिसाब से दोस्तों सिंपल सी बात है सभी को कॉमन नंबर मिलना चाहिए +1। तो दोस्तों 3 नंबर तो आपके कॉमन बनते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, और बाकी के दोस्तों जो भी क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये दोस्तों आपका यूपीटेट जूनियर का था, 2 क्वेश्चन इसको देख लीजिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पहले समस्त उत्तर मतलब उत्तरी भारत विभक्त था, एक क्वेश्चन ये दोस्तों आपको बनेगा। ये देखिए इसका आंसर भी किताब से भी है, और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन रहा था आसनी शब्द है, तो दोस्तों इसका सही आंसर स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों बन रहा है, तो इसका में क्या होगा आपका 1:1, ठीक है ना, ये सब होने वाला है। तो दोस्तों और भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को शेयर करिए, आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि दोस्तों आपके नंबर बढ़े, हम लोग पूरी कोशिश करें। उसके बाद दोस्तों अगर आपका मामला हाई कोर्ट में जाता है तो उसकी भी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट रिजल्ट के लिए।